यात्री को फसायेला है। उत्तराखंड में भारे वरसादथी मोटी मुश्किलों सर्जाय छे। खास करीने बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे पर ठेर ठेर भूस्खलन थई रह्युं छे। मंगळवारे जे भूस्खलन थयुं एना पछी आ हाईवे संपूर्णपणे बंद छे। जो कि वरसादनुं जोर ओछुं थयुं छे अने अहीं रेस्टोरेशननुं काम झड़पथी थई रह्युं छे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आपको सड़क पर गिरा हुआ नजर आएगा। लगातार यहाँ पे मलबा हटाने का काम जोरों शोरों पर किया जा रहा है। ब्लास्टिंग भी यहाँ पर की गई है, जिसके चलते जल्द से जल्द यहाँ पर जो रास्ता है वो साफ करा जा सके। देख सकते हैं कि जेसीबी मशीनें लगातार यहाँ पर मलबा हटाने का काम कर रही हैं। बड़ा पहाड़ का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। मंगलवार को बताया जा रहा है कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा जो है वो सड़क पर ढह गया था, जिसकी वजह से ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया था। लोगों को यहाँ से जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। बाद में कुछ लोगों को पैदल जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही थी, लेकिन कल भी बताया जा रहा है कि पहाड़ का एक पत्थर जो है वो यहाँ पर गिर गया था, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें करना पड़ा था। लेकिन फिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी यहाँ पर मलबा हटाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। जो चार धाम पर निकलने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबी कतारें गाड़ियों की आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। जो श्रद्धालु हैं वो राह खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो साफ है कि लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि काम में खूब ज मुश्किलों आ रही है। खास करीने जे श्रद्धालु पोताना वाहनों साथे निकळ्या छे ते अटवाई चुक्या छे। हाल में एनडीआरएफ की टीमों द्वारा युद्धना धोरणे रस्तो फरी शुरू करवा माटे कवायत थई रही छे। खास करीने चालीने जता मुसाफरो माटे आ रस्तो खोली देवायो छे। आप आ दृश्य जोई रह्या छो। तमाम यात्रिकोने हाल में रोकी राखवामां आव्या छे। जेम जेम रस्तो साफ थई रह्यो छे तेम तेम यात्रिकोने अहींथी पसार थवा देवामां आवी रह्या छे। आने वाले लोगों के लिए लैंडस्लाइड वाली जगह का रास्ता खोला गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बद्रीनाथ से होते हुए जो लोग आगे की तरफ यानी कि आगे जा रहे थे चमोली की तरफ, वो लोगों के लिए रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। यहाँ से लोग जो है वो आते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ये रास्ता जो है पहले बंद किया गया था, क्योंकि लगातार जो चट्टान है वो दरक रही थी, पत्थर टूट टूट के नीचे की तरफ आ रहे थे, और अभी भी आपको चट्टान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ नजर आएगा। और ठीक मेरे सामने आपको ये जो लोग नजर आ रहे हैं ये बद्रीनाथ से होकर आ रहे हैं, और काफी घंटे तक इन्होंने इंतजार किया था। सीधे बातचीत करते हैं, कितनी देर का इंतजार करना पड़ा था आपको? पांच दिन। 9 तारीख को बंद हो गया था, 9 तारीख से उधर ही रुक गए। अच्छा, अब निकले। हाँ। आप गाड़ी में ही, हमने तो रोड पे ही टाइम पास करा, रोड पे ही कुछ खाना पीना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खाया था। इतने दिनों से हम लोग रोड पे सोए थे, रोड पे सोए थे हम लोग, रोड पे खाना बनाया। 4 दिन हो गए। माता जी भावुक नजर आ रही है। माता जी कब वहाँ पे गई थी आप, और वहाँ पे किस तरह से? पहाड़ चढ़ के गए, ऊपर परसों गए पहाड़ चढ़ के, फिर आ रहे यार, फिर चढ़ा नहीं रहा हमारे से। ये तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे ठीक सामने आपको जो लोग नजर आ रहे हैं ये लोग बद्रीनाथ जाने की तैयारी में है। जो लोग आ रहे हैं, जो की तस्वीरें आपने देखी, वो बद्रीनाथ से वापस लौट रहे हैं, और ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं आप अपना? एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं। मैम कब से आप लोग यहाँ पे आ रखे हैं? दो दिन से बसे हुए। दर्शन करने का, कब जहाँ दर्शन करने जाएंगे उसके बाद वापस। आपको ये बता दूं कि जो लोग आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये लोग यहाँ पे पहुंचे अपनी अपनी गाड़ियों से, गाड़ियां साइड में या तो सड़क के खड़ी कर दी है या फिर गाड़ी होटल चली गई है। यहाँ से ये लोग तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक पैदल जाएंगे, उसके बाद अन्य वाहन को किराए पे लेंगे, फिर बद्रीनाथ ही जाएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर वहां से गाड़ी ली जाएगी, फिर जो लैंडस्लाइड वाली जगह है उसके पास वो जो गाड़ी है उन्हें ड्रॉप करेगी, फिर वहां से पैदल चलकर ये लोग यहाँ पर आएंगे। तो रास्ता पैदल जाने वाले लोगों के लिए खोला गया है। तो सुरक्षा जवानों यात्रिकों की मदद करीने तेमने रस्तो पसार करावी रहा है। हाल में तो पदयात्रियों माटे रस्तो खोली देवायो छे। केटलाक यात्रिको बद्रीनाथ थी परत पण फरी रहा छे अने केटलाक यात्रिको हजू बद्रीनाथ पहोंचवानी राह में छे। जो कि आटली मुसीबतों की वच्चे पण यात्रिकोनुं मनोबळ मक्कम छे अने ते बाबा बद्रीनाथना दर्शननी राह जोई रहा छे। देख सकते हैं कि श्रद्धालु हैं जो कि चार धाम यात्रा पे निकले हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुलेगा,
और ये बद्रीनाथ की तरफ रुख करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको जहाँ तक नजर जाती है आपको सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ तस्वीरों में नजर आएंगी। जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों से या फिर टैक्सी से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर साइड में गाड़ी खड़ी हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर रास्ता खोला जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ से पैदल लोगों को निकाला जाएगा और कुछ दूरी पर आने के करीब 1 किलोमीटर तक जाकर वो अन्य दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर ले सकते हैं और उसके बाद बद्रीनाथ जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो लोग 2 दिन पहले या 3 दिन पहले यहाँ पर आए थे, होटलों में रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कब रास्ता खुलेगा। तो कुछ लोगों का कहना था कि वो लगातार यहाँ पर आ रहे थे और देख रहे थे कि रास्ता खुल गया है, तो इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि आखिरकार कब वो लोग बद्रीनाथ की तरफ रुख करेंगे और कब वहाँ पर जाकर दर्शन करेंगे। इनका यह कहना है कि समय और पैसे की बर्बादी इसकी वजह से हुई है और वही उनका नुकसान हुआ है। बस यहाँ पर जब तक दर्शन नहीं होते तब तक ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश